माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? हाँ, एक सेल डिवीजन जिसमें एक सिंगल पेरेंट डिवाइड कर जाता है और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है, उसे हम कहते हैं माइटोसिस। एक और खास बात है माइटोसिस की, इसमें जो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो मेंटेन रहता है एट ईच सेल डिवीजन। अब आता है माइटोसिस के दो स्टेप्स हैं। यस, पहले स्टेप्स को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और ये फोर फेजेस में टेक प्लेस करता है। और दूसरा स्टेप है साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम जानेंगे फोर फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है इंटरफेज। इंटरफेज एक रेस्टिंग स्टेज है। इस समय कोई चेंज तो नहीं दिखाई देता है क्रोमोसोम्स में, बट इस समय सेल तैयार हो रही होती है नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए। फर्स्ट फेज, यस, पहला फेज प्रोफेज है। प्रोफेज में सेंट्रियोल आप देखेंगे मूव अपार्ट करते हुए नजर आएंगे और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते जाएंगे। और जब अर्ली प्रोफेज चल रहा होगा तो सेंट्रियोल्स क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट और डबल्ड हो जाएंगे और हम उन्हें कहेंगे क्रोमेटिड्स। और दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, आप डायग्राम में देखिए, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अटैच्ड हैं, एक बीच में सेंट्रल रीजन पर, नाम है सेंट्रोमियर। लेटर नेक्स्ट प्रोफेज में, लेटर प्रोफेज में आप देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर डेवलप होने लगेगा। जो सेंट्रियोल हैं वो स्पिंडल्स डेवलप करने लगेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा। सेकेंड फेज मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएगा थ्रू सेंट्रोमियर। ध्यान से देखें आप डायग्राम में, तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से होते हुए गुजर रहे हैं और क्रोमोसोम्स आकर के एक सिंगल प्लेन में इक्वेटर पर आकर यस अरेंज हो गए हैं। थर्ड स्टेज एनाफेज, इसमें सेंट्रोमियर जो अटैच हो गए थे यस क्रोमेटिड से, वो सेपरेट होने लगते हैं और दूर दूर जाने लगते हैं। धीरे धीरे जो दो क्रोमेटिड से वो अलग होकर अपोजिट पोल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे एक फरो अर्थात एक क्लीवेज या एक एक डीप पॉइंट ऊपर से क्या हो रहा है, कट होता जा रहा है एनाफेज के एंड तक आते आते। फोर्थ फेज टेलोफेज, ये इस फेज में दो डॉटर क्रोमोसोम्स रीच कर जाती हैं अपोजिट पोल्स में और क्रोमेटिड्स जो थिन आउट हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे और बन जाएंगे वापस क्रोमेटिन थ्रेड्स। याद होगा प्रोफेज में उल्टा हुआ था, क्रोमेटिन थ्रेड्स थिक हो गए थे और बन गए थे क्रोमेटिड्स। अभी ये इसका रिवर्सल हो रहा है। और क्या रिवर्सल हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जा रहे हैं। प्रोफेज में ये दोनों ही चले गए थे और जो फरो है बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जा रहा है। और आगे टेलोफेज के एंड के बाद जो अगला फेज शुरू होता है वो है साइटोकाइनेसिस अर्थात डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब फरो इतना डिपेंड हो जाएगा कि दो सेपरेट डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। तो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स सिमिलर टू दी मदर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि द सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड एट द ईच सेल डिवीजन। इस तरीके से माइटोसिस, जो कि माइटोस वर्ड थ्रेड वर्ड से बनाया गया था, यस, वापस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमेटिड्स होता है वापस रीफॉर्म हो जाता है। थैंक यू। इसी तरीके से यस, मैंने बायोलॉजी में इस पूरे टॉपिक को डिटेल में बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यस, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जरूर जाएं और डिटेल वीडियो ऑन माइटोसिस मियोसिस भी जरूर देखें। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो टिल द एंड। बाय।